फिल्म गाजी अटैक ने एक बार फिर पाकिस्तानी पनडुब्बी पीएनएस गाजी को चर्चा में ला दिया है। 1971 की लड़ाई में पीएनएस गाजी को भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम के पास डुबा दिया था। इस पनडुब्बी के साथ 90 पाकिस्तानी नौसैनिक भी मारे गए थे। पीएनएस गाजी के खात्मे को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। भारतीय नौसेना के मुताबिक इंडियन नेवल शिप राजपूत के हमले से पाक का पीएनएस गाजी बर्बाद हुआ। पाकिस्तानी सेना ने यह दावा किया है कि गाजी भारतीय इलाके में डूबा तो जरूर, लेकिन अपने ही बिछाए बारूदी जाल में फंसकर पीएनएस गाजी में विस्फोट हुआ। 1971 में तब के पाकिस्तान की समुद्री नाकेबंदी का नेतृत्व विमान वाहक लड़ाकू जहाज विक्रांत कर रहा था। आईएनएस विक्रांत की खोज में कराची से पनडुब्बी पीएनएस गाजी को विशाखापट्टनम भेजा गया। पीएनएस गाजी के आने की खबर पहले से ही भारतीय नौसेना को मिल गई थी। 1971 की लड़ाई से पहले ही आईएनएस विक्रांत को विशाखापट्टनम से काफी दूर अंडमान भेज दिया गया। इसकी सूचना जहाज में मौजूद सैनिकों को भी नहीं थी। रणनीति के तहत आईएनएस राजपूत को विक्रांत की तरह काम करने के आदेश दिए गए। आईएनएस राजपूत ने आवाजाही तेज कर दी और वायरलेस पर बातचीत भी ऐसे की जाने लगी जिससे दुश्मन को लगे कि विक्रांत जैसा बड़ा जहाज आसपास है। 3 दिसंबर की रात 1971 की लड़ाई शुरू हो गई। पनडुब्बी गाजी समुद्र की गहराई से कुछ ऊपर आया और तभी उसे आईएनएस राजपूत के आसपास होने की भनक लग गई। गाजी ने आईएनएस राजपूत से बचने के लिए तेजी से डुबकी लगाई, लेकिन इस डुबकी से पानी में हलचल हुई। इस हलचल से आईएनएस राजपूत के कैप्टन समझ गए कि आसपास दुश्मन की पनडुब्बी है। आईएनएस राजपूत के कैप्टन ने टॉर्पीडो चलाने के आदेश दे दिए और इस हमले से पीएनएस गाजी बच नहीं सका। सागर की गहराई में पीएनएस गाजी की कब्र आज भी मौजूद है।